हेलो बच्चों, वेलकम टू दी पाणिनि पाठशाला यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज बच्चों हम देखेंगे स्टडी ऑफ गैस लॉज, जो कि आपके क्लास 9th में है, आईसीएससी बोर्ड, आईएससी आईसीएससी बोर्ड्स में ये चैप्टर है। तो इसमें मेनली जनरली हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस इक्वेशन, जो कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से ड्राइव करके बनाई जाती है, और साथ ही साथ इसी के बेसिस पर हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं सारे के सारे। तो आज हम देखेंगे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। देखिए बच्चों, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। वॉल्यूम क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है बच्चों, अब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे। तो हमें पता है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, के या सी, जो भी आप चाहें। ठीक है, इसको इधर ले जाइए तो आपकी वैल्यू आ जाती है, फॉर्मूला बन जाता है पी वी इज इक्वल टू के कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसका यूज नहीं होता है, यूज होता है इस फॉर्मूले का, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। ठीक है, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर अप्लाई होता है, सॉरी ये लिखना भूल गया था मैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ कब अप्लाई होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, बॉयल्स लॉ तब अप्लाई होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो देखिए वो फॉर्मूला आता कैसे है, देखिए, अगर कोई गैस है, इफ अ गैस इज इनिशियली, इफ अ गैस इज इनिशियली एट प्रेशर पी वन, एट प्रेशर पी वन एंड हैव वॉल्यूम, एंड हैव वॉल्यूम, एंड हैव वॉल्यूम वी वन। तो कोई हम गैस ले लेते हैं जिसका प्रेशर पी वन है अभी और वॉल्यूम वी वन है। तो देखिए, देन देन आफ्टर चेंजिंग इट्स प्रेशर फ्रॉम पी वन टू पी टू, फ्रॉम पी वन टू पी टू। पी वन से हमने अब प्रेशर कहाँ पर ला दिया है, पी टू पे, मतलब इनिशियली प्रेशर पी वन था, अब नेक्स्ट कंडीशन में प्रेशर पी टू है। तो फाइंड न्यू वॉल्यूम, अब जो नया वॉल्यूम है उसको फाइंड करिए, या नया वॉल्यूम है उसको फाइंड करिए जिसको हम V2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो या तो फिर वो वॉल्यूम देगा कि नया वॉल्यूम फाइंड करिए, या बोलेगा कि वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर नया फाइंड करिए। तो इससे हम जो इक्वेशन बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, पी वन वी वन इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट है, पी टू वी टू इज इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है बच्चों, इसको आपस में बराबर कर दीजिए, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। ये आपका बॉयल्स लॉ में जो कि फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यूजफुल। ठीक है बच्चों, यही यूज करते हैं। और इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, बॉयल्स लॉ में हमेशा याद रखिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जहां भी कोई भी कंडीशन दी होगी, अगर बोल दिया उसने टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस गैस को इस प्रेशर से, इस वॉल्यूम से यहां पर ले गए और यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, वह है चार्ल्स लॉ।
चार्ल्स ला। अरे चार्ल्स ला। तो देखिए बच्चों, चार्ल्स ला क्या कहता है? चार्ल्स ला कहता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई आ फिक्स्ड, बाई आ फिक्स्ड अमाउंट, बाई आ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई आ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, इज डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। व्हेन, व्हेन प्रेशर, व्हेन प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, व्हेन प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जब हम प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हैं बच्चों, तब वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के। तो देखिए बच्चों, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू के टी, टी को इस साइड ले आएंगे तो वी बाई टी इज इक्वल टू के, वी बाई टी इज इक्वल टू के, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये यूजफुल नहीं है, यूजफुल दूसरा वाला फॉर्मूला है, उसको देखते हैं अभी। देखिए अगर कोई गैस है, सपोज, सपोज इफ अ गैस इज इनिशियली, इफ अ गैस इज इनिशियली एट, इफ अ गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर टी वन एंड वॉल्यूम वी वन, अगर कोई गैस है जिसका टेम्परेचर इनिशियली टी वन है और वॉल्यूम वी वन है, देन इट्स टेम्परेचर चेंजेस टू टी टू, फाइंड न्यू वॉल्यूम, फाइंड न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम वी टू, नया वॉल्यूम। एक कोई गैस है जिसका टेम्परेचर टी वन है इनिशियली, वॉल्यूम वी वन है, अभी हमने उसको थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, वो टेम्परेचर टी टू हो गया है, अब नया वॉल्यूम फाइंड करिए। ऐसा भी हो सकता है वो कहे इनिशियली एक गैस है जो टेम्परेचर टी वन पर है, वॉल्यूम वी वन पर है, अब हमने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया या घटा दिया तो फाइंड न्यू टेम्परेचर, तो दोनों ही इससे हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू के, इनिशियल कंडीशन में है, ये क्या है इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल कंडीशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए वी टू अपॉन टी टू इज इक्वल टू के, अब इन दोनों इक्वेशन को हम आमने सामने कर देंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को हम आमने सामने कर देंगे, शायद दिख नहीं रहा है, वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू के फर्स्ट इक्वेशन, वी टू अपॉन टी टू इज इक्वल टू के सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इनको आमने सामने कर देंगे, जो फॉर्मूला बनेगा इस फॉर्मूले को यहां लिख लेते हैं, वी वन अपॉन टी वन, वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू, ये फॉर्मूला बनाएगा जो कि हम यूज करेंगे बच्चों, जो कि हम यूज करेंगे। ठीक है, एक कंडीशन है इसमें, वो कंडीशन ये है कि टेम्परेचर हमेशा, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन,
टेम्परेचर को हमेशा किस में लेंगे बच्चों, केल्विन में लेंगे। टेम्परेचर को हमेशा किस में लेंगे बच्चों, केल्विन में लेंगे। ठीक है, अब केल्विन में कैसे बनाते हैं टेम्परेचर को उसको देख लेते हैं। चार्ल्स लामे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही होगा। मैं तो कहूंगा हर क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर अगर दिया है तो उसको केल्विन में बदल लें। देखिए केल्विन में कैसे करें टेम्परेचर को, ठीक है। अगर कोई टेम्परेचर है जनरली डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो उसको हम केल्विन में कैसे करते हैं। देखिए बच्चों केल्विन में करने के लिए क्या करेंगे, 0 जो डिग्री सेल्सियस आपको जितना भी दिया हुआ है उसको 273 केल्विन में ऐड कर दीजिए। जितना भी डिग्री सेल्सियस आपको दिया है उसमें 273 केल्विन ऐड कर दीजिए। आपका जो भी टेम्परेचर मिलेगा वो है केल्विन में। मान लीजिए आपको टेम्परेचर दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, तो आपको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में क्या करेंगे हम, बदल के कैसे करेंगे, केल्विन में बदलने के लिए हम जितने डिग्री सेल्सियस दिया उसको लिखिए प्लस 273 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, जितने डिग्री सेल्सियस लिखा है उसको लिखिए, उसके बाद 273 उसमें ऐड कर दीजिए। क्या बन जाएगा, 5381 7182 2888 केल्विन है, 288 केल्विन होता है। कभी कभी जो टेम्परेचर है वो माइनस में निगेटिव में बच्चों दिया होता है। देखिए मान लीजिए हम कह दें टेम्परेचर दिया है -18 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री, तो भी हम क्या करेंगे केल्विन में रखेंगे, एज इट इज टेम्परेचर रख दीजिए -18 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। प्लस माइनस माइनस होता है हमको पता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 13 में से 8 गया आपका आएगा 5। ठीक है बच्चों, 13 में से 8 गया 5 आया, 6 में से 1 गया 5 आया और 2। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, 255 केल्विन आ गया। ठीक है बच्चों, तो अगर माइनस में भी दिया हो तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, डायरेक्टली आप या 273 से माइनस कर दीजिए, जितना भी दिया हो अगर निगेटिव वैल्यू है तो उसको 273 से माइनस कर दीजिए, अगर पॉजिटिव है तो आपको ऐड करना ही करना है। तो इस तरीके से हम किसी भी डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलते हैं। ये होती है केल्विन में बदलने की टेक्निक या फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, टेक्निक या फॉर्मूला। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैस है जो कि इनिशियली उसका वॉल्यूम है 2 लीटर, इनिशियली उसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, 2 लीटर। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो इनिशियल कंडीशन लिख लीजिए, जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या करेंगे इनिशियल कंडीशन ऐसे ऊपर लिखिएगा, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, फाइनल कंडीशन। ठीक है बच्चों, इनिशियल कंडीशन लिखिए और फाइनल कंडीशन लिखिए। तो एक गैस है जिसका वॉल्यूम है आपका, इनिशियली वॉल्यूम है V1 जो कि 2 लीटर है। ठीक है, कितना है, 2 लीटर। ठीक, एक वेसल में वो गैस भरी हुई है, एक वेसल में वो गैस भरी हुई है। ठीक है बच्चों, उसका प्रेशर है P1, प्रेशर है उसका 760 mmHg, 760 mmHg। ठीक है बच्चों, फाइनल वॉल्यूम उसका हुआ। अब उसका कुछ प्रेशर, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है, फाइनल वॉल्यूम उसका हो गया है 4 लीटर। अब पूछ रहे हैं P2, प्रेशर बता दीजिए, कंडीशन दे रखी है टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब बॉयल्स लॉ लगेगा, तो बॉयल्स लॉ लगा देते हैं, P1V1 = P2V2। ठीक है बच्चों, P1 रखिए 760 इंटू V1 रखिए 2 लीटर इज इक्वल टू P2, हमें फाइंड ही करना है, V2 रखिए 4 लीटर। ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा,
अपॉन 4 इज इक्वल टू पी टू। ठीक है बच्चों, 2 से ये आ जाएगा आपको 380। यूनिट क्या रहेगी, हमेशा जो भी यूनिट क्वेश्चन में दी है बराबर रखेंगे, 380 mmHg, ये आपका फाइनल प्रेशर आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल प्रेशर आ गया। ये एक बॉयज लॉ पे क्वेश्चन है। ठीक है, एक यूनिट को लेकर थोड़ा सा रहता है, जैसे वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या क्या रहेगी। देखिए वॉल्यूम किसमें लिखा जाता है, लीटर में आपको मिलेगा, डेसीमीटर में मिलेगा, डीएम डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है, आपको सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा, सेंटीमीटर क्यूब आगे लिख देते हैं, सीएम क्यूब और कहीं कहीं सीसी भी लिखा होता है। ठीक है बच्चों, कहीं कहीं सीसी भी लिखा होता है, और किसमें लिखा होगा, मिलीलीटर में तो लिखा ही होगा। ठीक है, मिलीलीटर में तो मिलता ही मिलता है आपको। तो देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 डेसीमीटर या 1 लीटर में आपके 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और जितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं उतने ही मिलीलीटर भी होते हैं, मतलब 1000 सेंटीमीटर है तो 1000 मिलीलीटर भी होंगे। ठीक है, ये आपकी यूनिट कन्वर्जन में काम आएगी, यूनिट कन्वर्जन में। और इस तरीके के मोस्टली आपको डेसीमीटर में दे सकता है, लीटर में दे सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में दे सकता है, मिलीलीटर में बहुत कम ही क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यूनिट ऑफ प्रेशर भी देख लेते हैं बच्चों। यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली और सेंटीमीटर Hg, मिलीमीटर Hg, ज़्यादातर इसी पर, मोस्टली मिलीमीटर Hg पर ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg इज इक्वल टू 760 mmHg। ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 760 mmHg होते हैं और 76 सेंटीमीटर Hg होते हैं, यही तीन मोस्टली आपको 760 mmHg में ही मिलता है। ठीक है बच्चों, यही तीन यूनिट कन्वर्जन है इसमें, प्रेशर की यूनिट्स मोस्टली इसी इस चैप्टर में इतनी ही है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आप चार्ल्स लॉ पे देख लेते हैं, फिर इस सेशन को एंड करेंगे। एक क्वेश्चन चार्ल्स लॉ पे है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 0.4, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 0.4 लीटर एट 17 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड सो दैट इट्स वॉल्यूम गेट्स डबल्ड। ए में डबल करना है वॉल्यूम को और बी सेक्शन में आपको करना है रिड्यूस टू हाफ। तो देख लेते हैं क्वेश्चन ही देख लेते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन, सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस, सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज, सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ
पॉइंट फोर लीटर, वॉल्यूम ऑफ पॉइंट फोर लीटर एट 17 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पर? एट 17 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें करना क्या है, टू वॉट टेम्परेचर, टू वॉट टेम्परेचर इट शुड बी हीटेड, टू वॉट टेम्परेचर इट शुड बी हीटेड सो दैट इट्स वॉल्यूम गेट्स, वॉल्यूम गेट्स ए में डबल हो जाए। कितना हम हीट करें कि उसका वॉल्यूम डबल हो जाए, ठीक है। बी सेक्शन में इतना हीट करना है आपको कि उसका वॉल्यूम रिड्यूस टू हाफ हो जाए, ठीक है बच्चों। एक में वॉल्यूम डबल हो जाए, एक में हाफ हो जाए, ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखिए इसको कैसे करेंगे। इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं। इनिशियल कंडीशन वी वन 0.4 लीटर है और टी वन टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदल लेंगे तो 273 इसमें ऐड कर दीजिए, 273 ऐड करेंगे प्लस 17 डिग्री तो इसमें आ जाएगा 290 केल्विन टेम्परेचर आ गया आपका टी वन, 290 केल्विन। V1 आपकी डबल हो जा रही है। V1 फर्स्ट केस में क्या हो जा रही है बच्चों, डबल हो जा रही है, मतलब 0.4 है तो इसका 0.8 हो जाएगा, डबल हो गया, ठीक है। टेम्परेचर हमको फाइंड करना है, तो इक्वेशन लगा देते हैं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए वैल्यू पुट करते हैं, V1 कितना है 0.4, T1 290 इज इक्वल टू 0.8 अपॉन T2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया हमारा T2 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 290 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट गया, 4 से काटा 2, तो टेम्परेचर आ गया 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे T2 को, 20 जै 0, 29 जै 18 का 8, 1 कैरी, 22 जै 4, 1 5, 580 केल्विन। टेम्परेचर कितना आ गया बच्चों, 580 केल्विन। इसको आप चाहे तो सेल्सियस में भी बदल सकते हैं, हम इतने पे ही छोड़ देंगे। पॉइंट टेम्परेचर कितना आ गया फाइनल, जब हमने वॉल्यूम को डबल किया तो टेम्परेचर आ गया 580 केल्विन। ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और सेकंड केस में वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर को घटना चाहिए। देख लेते हैं, ठीक है, इससे प्रूफ भी हो जाएगा कि चार्ल्स लॉ सही है या नहीं है। सेकंड केस देख लेते हैं, सेकंड केस में भी V1 0.4 है, T1 है आपका 290 केल्विन हमने निकाल लिया था। V2 हमें क्या कर देना है, हाफ कर देना है, 0.4 का हाफ होगा 0.2, T2 हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, तो फार्मूला वही लगाएंगे, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है बच्चों। अब इसमें वैल्यूज भी पुट कर देते हैं सारी की सारी। V1 कितना है 0.4 है, T1 कितना है 290 केल्विन है, इज इक्वल टू 0.2 अपॉन T2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 290 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और 4, 2 से काटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, इसको काटिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 10 2 5 जा, ठीक है। T2 आ गया आपका 145 केल्विन। T2 कितना आ गया बच्चों, 145 केल्विन। T2 आ गया आपका 145 केल्विन। तो इसमें जो आंसर आएगा T2, जो फाइनल टेम्परेचर होगा होगा 145 केल्विन। फर्स्ट वाले केस में हमारा जो डबल जब हमने वॉल्यूम किया
तो टेम्परेचर भी बढ़ गया था। कितना आया था, 540 करके आया था, 580 करके आया था, कुछ इसके हिसाब से आया था, 500 के ऊपर था, 540 के ऊपर था। ठीक है, तो देखिए जब हमने वॉल्यूम डबल किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जब हमने वॉल्यूम को हाफ किया तो टेम्परेचर भी रिड्यूस हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए बस इतना ही, ये हमने थोड़ा सा देखा चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। अगले सेशन में हम देखेंगे गैस की इक्वेशन जो इससे ड्राइव करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल। ओके बच्चों, थैंक यू। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज स्टडी ऑफ गैस लॉज का दूसरा लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे गैस इक्वेशन, सेकंड एसटीपी कंडीशन। आखिर क्या होती है एसटीपी कंडीशन। थर्ड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, तो पहले हम देख लेते हैं गैस इक्वेशन, तो हमने पढ़ा था बॉयल्स ला, उसके अकॉर्डिंग क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के। ठीक है, अब चार्ल्स ला हमने क्या देखा था, चार्ल्स ला पे हमने देखा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें क्या कंडीशन थी, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर होगा तब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड, इससे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, के टी बाई पी, के कॉन्स्टेंट या सी कॉन्स्टेंट कहीं कहीं ले लेते हैं। ठीक है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू के, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू के। यही आपकी क्या है, गैस इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, यही क्या है, गैस इक्वेशन है। तो इस गैस इक्वेशन को लिख लेते हैं, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में हमें ये नहीं यूज करना, फॉर्मूले में क्या यूज होगा, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब तीनों ही प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हमारे कांस्टेंट नहीं है। पहली चीज मान लीजिए, क्या बोलेगा आपसे कि कोई एक गैस है जो पी वन प्रेशर पर है अभी, और वी वन वॉल्यूम पे है, टी वन टेम्परेचर पर है। अब हमने उसका प्रेशर पी टू कर दिया, वॉल्यूम वी टू कर दिया, तो टेम्परेचर, नया टेम्परेचर बता दीजिए, या हमने टेम्परेचर टी टू कर दिया, प्रेशर पी टू कर दिया, नया वॉल्यूम बता दीजिए। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो नया प्रेशर बता दीजिए। ठीक है, ये है आपका यूजफुल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये यूजफुल फॉर्मूला है जिसको हम न्यूमेरिकल में आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्या चीज हमने देखी थी, एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन, एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें क्या होगा, अगर कहीं भी लिख दिया जाए कि एक गैस है जो अभी एसटीपी पर है, किस पर है, एसटीपी पर है, तो हमें क्या एज्यूम, क्या हमें लेकर चलना होगा। अगर कोई गैस है जो एसटीपी पर है तो हमें हमेशा ये देखना होगा उसका टेम्परेचर, हमें उसका टेम्परेचर लेना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लेंगे तो, और 273 केल्विन, केल्विन में ही लेके चलना है, सेल्सियस में नहीं लेके चलना है, वरना आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर और प्रेशर हमें क्या लेके चलना है, प्रेशर, देखिए प्रेशर हमें या 1 एटीएम ले लेंगे, अगर क्वेश्चन में एटीएम में है तो एटीएम में ले लेंगे, या 76 सेंटीमीटर एचजी, या 760 mmHg। ठीक है, तो कहीं भी अगर लिखा होगा कि एक गैस है जो कि अभी एसटीपी पर है, फिर हमने उसका वॉल्यूम चेंज करके इतना कर दिया, टेम्परेचर चेंज करके इतना कर दिया, तो हमें इनिशियली ये लेना होगा, या कोई गैस है इनिशियली इतनी थी फिर हम उसको एसटीपी पर लेकर आए, तो एसटीपी पर जैसे ही बोलेगा तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर ये रखना है। ठीक है बच्चों, ये टेम्परेचर और प्रेशर रखना है। इसके आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर ऑफ वॉल्यूम, 2 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 100 पास्कल प्रेशर, 100 पास्कल प्रेशर। ठीक है बच्चों, फाइंड द टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम एंड प्रेशर बिकम्स हाफ, फाइंड द टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम एंड प्रेशर बिकम्स हाफ, वॉल्यूम और प्रेशर क्या हो जाए, आधा हो जाए। ठीक है, तो हम इनिशियल कंडीशन लिख लेते हैं बच्चों, इनिशियल कंडीशन लिखेंगे P1, इनिशियली P1 क्या है, 100 पास्कल है। ठीक है, V1 क्या है, 2 लीटर है, 2 लिख लीजिए, T1 क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में करेंगे तो क्या करेंगे, 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। फाइनल जो फाइनल कंडीशंस है, P2, V2, T2, हमेशा ऐसे ही लिखना है आपको। P2 कितना है, हाफ, प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो 100 का हाफ 50, वॉल्यूम 2 लीटर था, 1 लीटर हो गया, हाफ कर दिया हमने, टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं गैस इक्वेशन का, P1, V1, T1, क्योंकि तीनों वेरिएबल हैं, कोई कांस्टेंट है नहीं तो गैस इक्वेशन ही लगेगी, कोई एक भी कांस्टेंट होता तो चार्ल्स ला बॉयल्स ला लगा लेते हैं, सॉरी P2, V2, T2। ठीक है, P1 की वैल्यू 100, V1 की वैल्यू 2 अपॉन T1 की वैल्यू 300 केल्विन, P2 की वैल्यू 50, V2 की वैल्यू 1 और T2 हमें निकालना है। ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये बचा 3/2, टेम्परेचर को इधर ले आएंगे ये इधर चला जाएगा, और 2 को भी नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा T2 हो जाएगा 50 × 3/2, 2 से काटेंगे 50 को, आ जाएगा 25, और 25 × 3 =
कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा का आपका 75 केल्विन, 75 केल्विन। अब इसको हमें एक्चुअली आपके क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो हमें एग्जाम में इसको डिग्री सेल्सियस में ही कन्वर्ट करके दिखाना होगा। तो जो टेम्परेचर है 75 केल्विन था, ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसमें 273 माइनस कर देंगे, ठीक है, 273 माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं, 13 में से 5 गया, 8 आया, 6 है, 16 हो गया, 16 में 7 गया, 9 आया, ये बचा 1198 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में, ठीक है, माइनस में आएगा 75 केल्विन। ये आपका T2 आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि 75 केल्विन क्या है, 0 डिग्री से बहुत कम है, तो ये माइनस में ही आएगा। इसको ऊपर रख के भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन एक देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक सेकंड, सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 4 ATM प्रेशर, 4 ATM प्रेशर, इफ एट STP, इफ एट STP इट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, 22.4 लीटर वॉल्यूम। एक गैस है जो कि STP पर कितने वॉल्यूम एक्यूपाई कर रही है, 22.4 लीटर, उसको हम किस पर लेके गए, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लेके गए, 4 ATM प्रेशर पे लेके गए, तो आप बता दीजिए उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इनिशियल कंडीशन हमको दे रखी है कि STP की कंडीशन है, तो इनिशियली हम लिखेंगे P1 V1 T1। P1 STP में 1 ATM होता था, STP कंडीशन में प्रेशर क्या होगा 1, टेम्परेचर क्या होगा 273 केल्विन, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम दे रखा है 22.4 लीटर, ठीक है। अब हम इस गैस को STP से कहां पर लेके गए, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 4 ATM प्रेशर पर, ठीक है बच्चों। तो P2 V2 T2, P2 कितना आ गया है, 4 ATM प्रेशर आ गया है, V2 कितना है, 27 + 273 करेंगे तो 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, सॉरी 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। V2 हमें निकालना है, V2 हमें निकालना है, इक्वेशन लगा देंगे P1 V1 वाली, P1 V1 / T1 इज इक्वल टू P2 V2 / T2, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 P1 की वैल्यू, V1 22.4, T1 273 केल्विन, ठीक है, इज इक्वल टू P2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 4, V2 हमें निकालना है एज इट इज रख लेंगे, T2 300 केल्विन, इसको इधर ले जाइए, इसको नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 22.4 × 300 / 273 × 4,
ये क्वेश्चन आपकी आ गई V2 के लिए। पॉइंट हटाते हैं, 10 लगा देते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 2 आ गया, 2 से काटिए 4 को, 2 आ गया, 13 को काटिए, 30 को काटिए 2 से, 15 आ गया। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 5, इसको काटेंगे 3 से, ये आ जाएगा 91, 273 को काटेंगे 3 से, आ जाएगा 91। ठीक है, 2 से ये बचा है, 2 से इसको काट लीजिए, 2 1 2, 2 से इसको काटेंगे तो 112 आ जाएगा। तो V2 कुछ इतना आ गया, V2 आ गया 112 × 5/91। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम आएगा हमारा 6.15 लीटर। कितना वॉल्यूम आएगा बच्चों? 6.15 लीटर, लीटर में आया क्योंकि लीटर में ही दे रखा था। ठीक है, यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे, इसमें यूनिट का कंफ्यूजन बहुत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम एक सेशन और लेंगे जिसमें 8-10 सवाल आपके देखे जाएंगे, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला और गैस ला, तीनों पर। ठीक है, हर तरीके के सवाल देखे जाएंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल्ड, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल्ड। वॉल्यूम क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डबल्ड इफ इट्स प्रेशर एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम इंक्रीजेस इंक्रीजेस फ्रॉम 70 cm Hg टू 80 cm Hg एंड इनिशियल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, प्रेशर क्या हो रहा है? 70 cm से 80 cm इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या कर रहा है? डबल हो रहा है। तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर ये होगा, ये फिनोमेना होगा? वॉल्यूम आपका 70 से 80 पर हो जाए और प्रेशर आपका 70 cm Hg से 80 cm Hg। इनिशियली हम सारी इनिशियल कंडीशंस लिख लेते हैं, P1 V1 / T1, P2 V2 और T2, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। तो इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है? प्रेशर की 70 cm Hg, 70 cm दे रखी है। वॉल्यूम हमें कह रहा है डबल हो रहा है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं, 1 ml, 1 लीटर, 1 cm, कुछ भी। ठीक है, टेम्परेचर इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन लिख लेते हैं। फाइनल प्रेशर देख लीजिए, फाइनल प्रेशर हमें क्या दे रखा है? 80 cm Hg। ठीक है, तो 80 लिख लिया, वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो हमने 1 एज्यूम किया था, तो डबल कर दीजिए उसका, 2 कर दीजिए, टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब लिख लीजिए P1 V1 / T1 इज इक्वल टू P2 V2 / T2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, P1 की वैल्यू है 70, V1 हमने लिया था 1, T1 है 273 केल्विन, P2 की वैल्यू है आपकी 80, V2 हमने डबल कर लिया है और T2 हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है,
एट्टी इंटू टू इंटू टू सेवन थ्री अपॉन 70। जीरो से जीरो कट कर देते हैं, ठीक है, सेवन से इसको कट करेंगे तो सेवन ये कुछ 39 आएगा, सेवन थ्री जा 27, सेवन थ्री जा 21 और सिक्स, ठीक है 39 आएगा। ई टू, अब ई टू फाइनल निकाल लेते हैं, ई टू आ गया 8 × 2 × 39, 8 × 2 × 39, ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 × 4 केल्विन, 6 × 4 केल्विन, ठीक है। अब इसको हम डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं, ठीक है, कोई भी केल्विन दिया हो उसमें से 6 × 4 केल्विन है, 273 आप माइनस कर दीजिए, केल्विन में बदलने के लिए हम 273 ऐड कर रहे थे, इसमें हम माइनस कर देंगे, 273 माइनस कर देंगे, 4 में से 3 गया 1 और 12 में से 7 गया 5। हेलो बच्चों, वेलकम टू दी पाणिनी पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो हमने अभी तक पढ़ाया था स्टडी ऑफ गैस लॉज, जो कि आपके 9th ICSE बोर्ड में है, उसके कुछ सवाल लेकर आए हैं हम। चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, उसके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड सवाल हैं जो भी आपके सेलिना में दिए हुए हैं, अदर पब्लिकेशंस में भी दिए हुए हैं, उनके कुछ चुनिंदा सवाल, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल है, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm Hg प्रेशर अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 100 cm³, केल्विन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाई 1/5 एंड द प्रेशर इज इंक्रीज टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एंड बाई टू 1.5 टाइम्स, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो देखिए, पी वन वी वन टी वन, इनिशियल कंडीशंस लिख लेते हैं हम लोग, पी वन वी वन एंड टी वन। तो पी वन दे रखा है 760 mm Hg, वी वन कितना दे रखा है 100 cm³, 100 लिख लिया, अभी उसकी यूनिट लिखने की या जरूरत नहीं है, ठीक है, किसमें दिया है ऐसे कोई मतलब नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन, हमेशा केल्विन में लेंगे। पी टू वी टू टी टू, देखिए पी टू क्या कह रहा है कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड टू टू वन है, 1.5 टाइम्स, टू टू का मतलब है कि पहले जो इनिशियल था उसका 1.5 गुना ज्यादा कर दिया है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 760 × 1.5, तो ये आ जाएगा 1140, प्रेशर इतना हो गया, 1140 हो गया है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम तो फाइंड ही करना है हमें, वॉल्यूम फाइंड करना है। टेम्परेचर, दैट केल्विन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाई 1/5, बाई मतलब इनिशियली 273 था, उसका 1/5 हमने बढ़ाया, ठीक है, इनिशियली इससे हमने 1/5 इसका 1/5 इंक्रीज कर दिया, मतलब इनिशियली 273 था और हमने कितना बढ़ा दिया 1/5, ठीक है, तो 273 का 1/5 कर लेंगे, 1/5 कर लेंगे, ये आएगा कुछ 327.6, ठीक है बच्चों, 327.6, ठीक है, 327.6 केल्विन, ठीक है। देखिए बाई का मतलब ये है कि पहले जो था और जितना बढ़ा रहे हैं उसको उसमें ऐड कर दीजिए, पहले 273 था, हमने कितना बढ़ाया 1/5 बढ़ा दिया, तो 273 का 1/5 कर लिया और ओरिजिनल वैल्यू जो थी पहले की कंडीशन में उसको ऐड कर दिया, ठीक है, पहले जो कंडीशन थी उसमें 1/5 निकाल के ऐड कर दिया, आपका फाइनल टेम्परेचर आ गया, ठीक है। अब हम पी वन वी वन टी वन लगा देंगे, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, वैल्यूज पुट कर देते हैं, पी वन की वैल्यू है 760,
760 इंटू 100 अपॉन T1 है 273 इज इक्वल टू P2 रख लेते हैं 1140, V2 हमें निकालना ही है और T2 हमारा कितना हो गया है 327.6 बच्चों, ठीक है। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाएंगे 760 इंटू 100 अपॉन 273 इंटू 327.6 अपॉन 1140 इज इक्वल टू V2। इसको जब हम काटेंगे तो कुछ इतना आएगा 79.99 सेंटीमीटर क्यूब। इधर लिख देते हैं, ये इसका आपको आंसर मिलेगा 79.99 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों, ऑलमोस्ट 80 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। मेन आपका ये था कितना इंक्रीज हुआ, कैसे इस चीज को आपको करना है, ठीक है बच्चों। अब सेकंड सवाल देख लेते हैं, देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है आपका, इट इज फाउंड ऑन अ हीटिंग अ गैस, इट इज फाउंड ऑन अ हीटिंग अ गैस, एक गैस को हम हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 50%, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाई 50%, ठीक है, इंक्रीजेस का साइन है, इंक्रीजेस बाई 50%, ठीक है बच्चों, इंक्रीजेस बाई 50%, एंड प्रेशर डिक्रीजेस टू, एंड प्रेशर डिक्रीजेस टू 60%, प्रेशर क्या हो गया है 60% डिक्रीज हो गया है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इफ दी इनिशियल टेम्परेचर वॉज -15 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर हम कैसे फाइंड करेंगे, देख लेते हैं, ये सवाल देख लेते हैं बच्चों, बहुत इजी सवाल है। देखिए P1, V1, T1 हमेशा ऐसे ही करना है, इनिशियल प्रेशर तो दे नहीं रखा है तो हम कुछ भी मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ 100 है, V1 भी 100 है, T1 दे रखा है -15 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हम 273 से -15 डिग्री कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया, कितना आया 8258, कितना आ गया 258 केल्विन, ठीक है। P2 देख लेते हैं, P2, V2, T2, अब प्रेशर बोल रहा है हमने इंक्रीज कर दिया है 60%, ओरिजिनल वैल्यू का 60% सॉरी डिक्रीज कर दिया है, तो 100 था और उसको डिक्रीज करके हम कहाँ पर ले आए, 60% तक ले आए, 2 तो 100 से 60% तक ले आए तो 60 लिख लिया, वॉल्यूम को हमने क्या किया है बाय 50% इंक्रीज कर दिया है, तो 100 का 150 हो गया,
टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, रख देते हैं। आई थिंक ये सवाल मैंने करा दिया है। P1, V1, P2, V2 एंड T2, ठीक है। P1 100 इंटू 100 अपॉन T1 258 इज इक्वल टू 60 इंटू 150 अपॉन T2 T2 इस साइड जाएगा, ये इसके साइड जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, T2 चला जाएगा इस तरफ, तो 60 इंटू 150 इंटू 258 अपॉन 100 इंटू 100 6 को काटेंगे 3, 20 को काटेंगे 10, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 232.2 केल्विन। इसको जब हम डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 40.8 डिग्री सेल्सियस माइनस का, माइनस 40.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। एक सवाल और देख लेते हैं, थर्ड सवाल। इसी तरीके के सारे सवाल होंगे जो अगर एग्जामिनर बहुत कठिन करना चाहेगा तो वो यही करेगा कि ये इतना इंक्रीज हो रहा है, ये इतना डिक्रीज हो रहा है, ओरिजिनल वैल्यू देगा नहीं। और आप सोचोगे कि पहले वैल्यू क्या रखें हम, जैसे इस क्वेश्चन में था, पहले की कोई वैल्यू दे नहीं रखी थी और बोल रहा था 50% इंक्रीज कर दिया है, 60% डिक्रीज कर दिया है। टू और बाई का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाई अगर लिखा है तो इनिशियल कंडीशन जो भी दी हो उसका जितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो इनिशियल कंडीशन में, उसका जितना इंक्रीज हो रहा है उसको ऐड कर देंगे। और टू अगर लिखा है तो वहां तक आपको इनिशियल वैल्यू को ले जाना है। जैसे 60% टू 60% लिखा था, प्रेशर को हम क्या कर रहे थे, 260% लेके आ रहे थे। तो जब हम 260% लेके आ रहे थे तो ओरिजिनल वैल्यू से उसको 60 तक लाना था, 100 से उसको 60% तक लेके आना था बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 2500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन टेकन एट एसटीपी द प्रेशर ऑफ दिस गैस इज द प्रेशर ऑफ दिस गैस इज द प्रेशर ऑफ दिस गैस इज further increased by 2.5 times। तो प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू का 2.5 टाइम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। What volume will हाइड्रोजन अकुपाई, कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन अकुपाई करेगा अब जब हमने उसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तब हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम लेगा। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो हम क्या करेंगे, P1 V1 लगा देंगे, ठीक है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही है तो उसको हटा दो, बॉयल्स ला लगाओ, ठीक है। P1 कितना दे रखा है, दिया नहीं है। V1 कितना दे रखा है, 2500 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इनिशियली V1 2500 सेंटीमीटर क्यूब है, P1 दे नहीं रखा है। हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, चलो हम 1 मान लेते हैं, 1 ATM, ठीक है। P2 कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, कह रहा है कि प्रेशर को इनिशियली हमने
बाई टू बाई 2.5 या 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। इनिशियली प्रेशर जो भी था उसका 2.5 गुना और इंक्रीज कर दिया। तो इनिशियली हमने 1 लिया था, ठीक है, और अब प्रेशर इससे 2.5 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो जब भी पाई लगेगा तो आप इनिशियल वैल्यू लिख दीजिए और जितना इंक्रीज कर रहे हैं उसको उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। बाई लगेगा तो हमेशा ऐसे ही करना है, जितना इनिशियल वैल्यू हो, इनिशियली हमने 1 लिया था उसमें जितना हम इंक्रीज कर रहे हैं उसको लिख दीजिए। तो 1 का 2.5 टाइम्स 2.5 ही होता है, तो 2.5 को हमने इनिशियल वैल्यू 1 में ऐड कर दिया, ये आ गया 3.5, ये आ गया आपका 3.5, ठीक है। V2 हमें फाइंड ही करना है बच्चों, V2 हमें फाइंड करना है। लगा दीजिए P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो P1 1 रख देंगे, V2 2500, P2 3.5, V2 हमें बताना ही है, V2 हमें निकालना ही है, ठीक है। तो V2 आ जाएगा 2500 इंटू 3.5 नीचे जाएगा, 2500 अपॉन 3.5, पॉइंट हटाएंगे, 10 लगाएंगे, 5 से कर लेते हैं, 7 आ जाएगा, इसको 5 से करते हैं 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5000 अपॉन 7, 5000 अपॉन 7, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 7 के आसपास, 714, 14.8 समथिंग आएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम की, सेंटीमीटर क्यूब, तो हम सेंटीमीटर क्यूब रख लेंगे, बस इजी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं, एक और इसी के साथ एक नेक्स्ट सवाल, और बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा सा है बहुत अच्छा है। एसटीपी कंडीशंस को भी ध्यान रखना है हमें, अगर कभी भी एसटीपी कंडीशन दे रखा है तो उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। एक सवाल और, क्वेश्चन है, अ सील्ड ट्यूब, एक सील्ड ट्यूब है, एबल टू विदस्टैंड 3 atm प्रेशर। एक सील्ड ट्यूब है जो 3 atm प्रेशर तक झेल सकता है, क्या कर सकता है, 3 atm प्रेशर तक झेल सकता है। इज फिल्ड विद एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसी सील्ड ट्यूब में हमने एयर भर दी, किस टेम्परेचर पे भरी है, 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है बच्चों, 27 डिग्री सेल्सियस, एंड 1 atm प्रेशर, और प्रेशर तब क्या था, 1 atm था। फाइंड द टेम्परेचर एट विच ट्यूब विल बस्ट। कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जब ये ट्यूब बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, ट्यूब फट जाएगी, कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा, यही हमें निकालना है। देखिए, एक P1 V1 T1 P2 V2 T2। P1 कितना है, इनिशियली कंडीशंस हम ले लेते हैं, P1 1 atm 1, V1 कितना है, T1 कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में 300 केल्विन, ठीक है। V1 कितना है, देखिए एक सील्ड ट्यूब है, तो एक सील्ड ट्यूब है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, एक सील्ड ट्यूब है, कोई भी एक कमरा है, बंद कमरा है, एक कमरा है, ठीक है, उसका एरिया तो बढ़ने वाला नहीं है,
एक 150 स्क्वायर फीट का कमरा है, वो तो कमरा 150 स्क्वायर फीट का ही रहेगा जब तक आपकी दीवार तोड़ के बढ़ा ना दे, ठीक है। तो एक सील्ड ट्यूब है तो उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक आपके वहाँ सिलेंडर आता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। आप उसका टेम्परेचर बढ़ा के उसके अंदर का प्रेशर जरूर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों साइड वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो P2 कितना प्रेशर ये झेल सकता है फाइनल, अब हमने T1 पर हमने भरा जब 300 केल्विन था, तब हमने इसमें एयर भरी, प्रेशर इसमें था 180 atm, अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया तो प्रेशर कितने प्रेशर तक ये जा सकता है, मैक्सिमम 3 atm, तो हमने 3 atm प्रेशर लिख लिया। अब T2 हमें फाइंड करना है, ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब ये तो बराबर ही है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, हमने इसको हटा दिया तो ये फॉर्मूला बन गया P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 रख दीजिए, P1 है 1, T1 है 300 इज इक्वल टू P2 कितना है 3 अपॉन V2, सॉरी T2 हमें निकालना है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो कितना आ जाएगा आपका T2 आ जाएगा 900 केल्विन, और अगर इसको सेल्सियस में करेंगे तो 3237 900 में से हम क्या करेंगे 273 केल्विन को माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो सेल्सियस में आ जाएगा, तो ये आएगा 627 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, 627 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में निकालना है तो ऐसे कर देंगे, केल्विन तो केल्विन है, जनरली आपको सेल्सियस में निकालना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में सेल्सियस में दे रखा है, ठीक है। तो हो सकता है एग्जामिनर इसके लिए मार्क्स आपके डिडक्ट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा ही है, क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज कलेक्टेड ओवर अ वाटर एट 17 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mm Hg प्रेशर, ठीक है बच्चों। एक हाइड्रोजन गैस को जिसका वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है उसको वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जा रहा है, कितने टेम्परेचर पर, 17 डिग्री सेल्सियस पर और 750 mm Hg प्रेशर पर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस एट एसटीपी द वाटर वेपर प्रेशर एट 17 डिग्री सेल्सियस इज 14 mmHg। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक 50 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस है जिसको हम वाटर की सरफेस पर कलेक्ट कर रहे हैं, कब, तब जब टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस था, उसका प्रेशर 750 mmHg था, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस, हमको क्या करना है, इसी ड्राई गैस मतलब हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर। अभी क्या, अभी कितना वॉल्यूम था, 50 सेंटीमीटर क्यूब था,
जब टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस था। अब हमको इसका वॉल्यूम निकालना है जब टेम्परेचर जीरो हो और प्रेशर 760 mmHg हो। ठीक है बच्चों, अब वाटर वेपर का प्रेशर एट 17 डिग्री सेल्सियस है 14 mmHg। देखिए ये क्यों दे रखा है, देखिए बच्चों ये क्यों दे रखा है, देखिए ये वाटर वेपर की लेयर है, वाटर की लेयर है, ठीक है, इस पे ये हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है। ठीक है बच्चों, इस पे ये हाइड्रोजन गैस H2 गैस कलेक्ट हो रही है। ठीक है, H2 गैस जो प्रेशर लगा रही है नीचे वो है आपका 750 mmHg। ठीक है, जो H2 गैस आपका प्रेशर नीचे की तरफ लगा रही है वो कितना लगा रही है, 750 mmHg। लेकिन वाटर भी कुछ प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रहा है, सरफेस पे वाटर का भी प्रेशर होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर्स होते हैं, ये 11 क्लास में आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन में। वाटर वेपर भी एक प्रेशर लगा रहा है, जो प्रेशर हमें दे रखा है 14 mmHg इसी 17 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर भी कुछ ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, वाटर वेपर्स भी प्रेशर लगा रहे हैं, ये प्रेशर आपको दे रखा है 14 mmHg। ठीक है, ये किसका है, वाटर का है, और 750 mmHg प्रेशर किसका है, हाइड्रोजन गैस का। तो नेट प्रेशर अगर हम देखें, क्या देखें, नेट प्रेशर ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, 750 माइनस 14 इज इक्वल टू 736 mmHg। ये आपका नेट प्रेशर हो जाएगा जो कि हम P1 कंडीशन में लेंगे, ये P1 प्रेशर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि अगर आप ये ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर आप सोचेंगे ये क्यों दे रखा है, ये इसीलिए दे रखा है क्योंकि नेट प्रेशर हमें निकालना था। ठीक है बच्चों, तो ये नेट प्रेशर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वाटर वेपर ऊपर की तरफ हाइड्रोजन की तरफ प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन ऊपर से प्रेशर लगा रहा है, तो नेट प्रेशर इतना हो जाएगा 736 mmHg। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लगा रहे हैं इसलिए माइनस कर रहे हैं, सपोर्टिंग में लगाते तो प्लस कर देते। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब P1 हमने अभी निकाला था 736, V1 है 50 हाइड्रोजन गैस का, V1 है 50, T1 टेम्परेचर कितना दे रखा है 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 290 केल्विन, 273 ऐड कर दीजिए 17 में, आपका केल्विन में आ गया। P2 निकालिए, V2 निकालिए और T2 निकालिए। P2 कितना आया है, P2 हाँ STP पे हमें निकालना है, किस पे निकालना है, STP पे, तो ऑब्वियस सी बात है STP पे निकालना है, तो STP पे प्रेशर की कंडीशन हमेशा 760 mmHg या 180 होती है, तो हमने 760 लिख लिया। V2 हमें निकालना ही है, अब T2 हमारी STP पे कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, हमेशा केल्विन में लेंगे, तो हमें इस कंडीशन पे इसका वॉल्यूम चाहिए, तो लगा दीजिए P1V1 upon T1 = P2V2 upon T2। इसके बाद आगे करते हैं, सारी कैलकुलेशन लिख लेते हैं, 736 into 50 upon 290 = 260 into V2 हमें निकालना ही है, और T2 हमारे सामने 273 केल्विन दे रखा है, 0 से 0 कट कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा 736 into 5 into 273 upon 29 into 760। ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 45.58 cm³। ये आपका वॉल्यूम है V2 जो कि STP पर आया है। ठीक है बच्चों, 45.58 cm³, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत अच्छा सवाल था, इसमें हमेशा ध्यान रखना है नेट प्रेशर का, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर देगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये लास्ट में क्यों लिखा है 14 mmHg, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, 22.4 liter ऑफ अ गैस वेज 70 gram एट STP। एक कोई गैस है जो STP कंडीशन पर उसका वॉल्यूम 22.4 liter होता है और वेट कितना होता है, 70 gram होता है, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है हमें, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द गैस, इफ इट ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 20 liter, एट 27 degree Celsius एंड 700 mmHg प्रेशर, 700 mmHg प्रेशर, ठीक है। देखिए एक कोई गैस है जो कि 22, एक कोई गैस है कोई भी गैस है जो कि STP कंडीशन पर कितने, इसका वॉल्यूम कितना रहता है, 22.4 liter रहता है और वेट कितना रहता है, 70 gram, ठीक है। अब कैलकुलेट द वेट ऑफ द गैस इफ इट ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ 20 liter एट 27 degree Celsius एंड 700 mmHg प्रेशर। देखिए एक कोई गैस है जो अभी 20 लीटर है जब उसका टेम्परेचर 27 degree Celsius है और प्रेशर 700 mmHg, ठीक है। अब इस गैस को हम STP पर ले जाएंगे, STP पर देखेंगे उसका वॉल्यूम कितना आता है, ठीक है, फिर उससे हम उसका वेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल, ये आपको सिर्फ क्लू दे रखा है, ठीक है, इस क्लू का हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, पहले ये क्वेश्चन है इतना, ठीक है, जिसमें हम 20 लीटर कोई गैस है जो कि 27 डिग्री पर 20 लीटर है जिसका प्रेशर 700 है, इसको हम STP पर ले जाएंगे और देखेंगे कितना वॉल्यूम आता है, ठीक है, उसी वॉल्यूम से फिर हम उसका वेट निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। P1 दे रखा है 20 लीटर, P1 दे रखा है 700 mmHg, V1 दे रखा है 20 लीटर और T2 दे रखा है 27 degree Celsius जो कि केल्विन में होता है 300। अब देख लीजिए, अब हम इसको किस पे ले जा रहे हैं, STP पर देखेंगे इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो P2 क्या होता है, मतलब प्रेशर कितना होता है हमेशा 760 mmHg में, तो हमें mmHg लेना पड़ेगा, वॉल्यूम हमें निकालना है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर हमेशा 0 degree Celsius या 273 Kelvin, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, P1 V1 upon T1 = P2 V2 upon T2, वैल्यू रखिए,
700 इंटू 20 अपॉन 300 इज इक्वल टू 760 इंटू V2 अपॉन T2 सॉरी अपॉन 273। ठीक है, जीरो से जीरो कट कर देते हैं, जीरो से जीरो कट कर देते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। ठीक, तो ये हो जाएगा 760, ये हो जाएगा 70 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 760 इंटू 273 ऊपर लिख लेते हैं इज इक्वल टू V2। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। तो इसको कट पिट करने पर क्या मिलेगा हमको, 16.76। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको V2 मिलेगा जो कि इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 16.76 लीटर। तो हमको एक गैस दी थी जो कि 700 mmHg प्रेशर पर 300 केल्विन टेम्परेचर पर 20 लीटर थी। हम उसको STP पर हमने कैलकुलेट किया तो उसका वॉल्यूम 16.76 लीटर आया। ठीक है, अब इतनी गैस का हम निकालेंगे कि वेट कितना होता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, V2 हमारा कितना आ गया था, 16.76 लीटर। ठीक है, अब देखिए अगर सिंपल मैथ है, 22.4 लीटर गैस 70 ग्राम की होती है तो 16.76 लीटर कितना होगा, 16.76 लीटर इसको हम क्या कह सकते हैं, 70 इंटू 16.76 अपॉन 22.4। ठीक है, जब इतने लीटर गैस 70 ग्राम की थी तो 16.76 लीटर कितनी होगी, इसको हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे और 16.76 से मल्टीप्लाई कर देंगे 70 ग्राम को, ये कुछ आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 52.38 ग्राम। ठीक है, 22.4 लीटर गैस 70 ग्राम की थी तो 16.76 लीटर कितनी होगी, 70 इंटू 16.6 जितना दिया उससे जो आया था हमारा वॉल्यूम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पूरा था उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपका इतना आंसर मिल जाएगा, 52.38 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, ये कुछ छोटे छोटे सवाल थे, इनको देखिएगा, इसी कर बेसिस पर सारे के सारे सवाल इसी बेसिस पे होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।